हेलो फ्रेंड्स, आप IAS यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन आपके अपने इस चैनल में शुरू होने जा रहे टारगेट UPSC प्रीलिम्स 2021 से संबंधित है। हम आज इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि ये हमारा सीरीज कैसे चलेगा, इसमें आपको किस किस चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, कौन से कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा ये डिस्कशन सीरीज़ करेंट अफेयर और स्टैटिक दोनों से संबंधित होगा। करेंट अफेयर के जो टॉपिक उठाए जाएंगे मुख्य रूप से PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, राज्यसभा TV, लाइव मिंट इत्यादि होंगे। फ्रेंड्स, मंथ के लास्ट में हम विजन IAS, ओनली IAS और दृष्टि IAS को भी खंगालेंगे। यदि कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो हमने डिस्कशन किया है इसके इतर विजन IAS, ओनली IAS या फिर दृष्टि IAS में है, तो उसे मंथ के लास्ट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पर्पस ये होगा कि पिछले सालों में जिस तरह से UPSC ने क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ही हम अपनी तैयारी को करें। इसके अंतर्गत यदि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रही है तो उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं उसे जुटाकर आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। हमारे डिस्कशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग ये होगा कि सिलेबस वाइज सिलेबस के अंतर्गत रहते हुए हम सारा डिस्कशन करें। इसके अंतर्गत इस चीज़ को मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा कि कोई भी टॉपिक जो करेंट में रहा हो उसके साथ साथ उस सिलेबस वाले टॉपिक का जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसे आपके साथ डिस्कशन करें। जो भी डाटा चेंज हो रहा है अपडेटेड डाटा आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। आप इसे ध्यान रखें कि अपने इस डिस्कशन के अंतर्गत हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिसमें स्टार प्रचारक से संबंधित कुछ चेंजेस किए गए हैं। हम इस डिस्कशन में सिर्फ स्टार प्रचारक क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इस बात को भी देखेंगे कि स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक क्या करते हैं, स्टार प्रचारक के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, क्या ये प्रावधान संविधान में है, यदि संविधान में है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, यदि नहीं है तो इसका अवधारणा कहाँ से शुरू होता है, जनप्रतिनिधित्व कानून इसके बारे में क्या कहता है। इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी आपके साथ उसे डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप जानते हैं टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बार चला जाए तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। आप अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो आपको सही जगह पर पहुंचा दे। टाइम को कभी भी बर्बाद ना करें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमारी एक महत्वपूर्ण जानकारी PDF कहाँ से प्राप्त करें। फ्रेंड्स, हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर हमने ये देखा है कि हमारे PDF ऑथेंटिक हैं। हम अपने इस फ्री में देने वाले PDF के ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे और हमारा जो PDF होगा वो बहुत कम कॉस्ट में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हो सकता है कि ये आपको 1 रुपये या फिर 2 रुपया में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बस आप यही याद रखें कि हमारा इस बार का जो PDF होगा वो फ्री में नहीं होगा, इसके लिए बहुत कम चार्ज लगाया जाएगा। ये हो सकता है कि यदि आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए तो 1 रुपया या फिर 2 रुपया देना हो, यदि आपको मंथली उपलब्ध कराया जाए तो हो सकता है कि ये 30 रुपया से 50 रुपया के बीच में होगा, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे डिस्कशन का जो वीडियो होगा वो हर दिन सुबह 6 बजे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप अपने शेड्यूल के अंतर्गत इसे शामिल करें, हर दिन सुबह सुबह इस वीडियो को देखें, समझें और यदि आप हमारे PDF को खरीदते हैं तो उसे 1 या 2 बार रिवाइज करें, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम इस बात पर भी जोर देंगे कि हमारे डिस्कशन का जो भी टॉपिक हो वो स्टेट PCS के हिसाब से भी हो। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी जो स्टेट PCS में पूछी जाती है उसे भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिसे आप तक पहुँचाना था।
हम अपने डिस्कशन को कल से शुरू करने वाले हैं, यानी कि कल सुबह 6 बजे से आपको डिस्कशन का वीडियो उपलब्ध होने लगेगा। PDF के बारे में आपको जल्द ही जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हम जरूर जीतेंगे।